أهداف مستعمرات جديدة لم يكن استهدافا. टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इसराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्ला ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक हिजबुल्ला चीफ ने इजरायल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहाँ तक दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने इजरायल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। الآن أن ينتظرنا برًا وجوًا وبحرًا. أيضًا قلنا في السابق ونعيد اليوم، إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. تانكوك وراي تشيتري لبنان من إسرائيل كي هار. हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्ला लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रवि सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्ला के कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलौन बेस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में IDF की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्ला नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. गाजा युद्ध के साथ साथ इसराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इसराइल हिजबुल्ला और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इसराइल की तरफ से इसराइली सेना पर हिजबुल्ला भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्ला ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इसराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्ला की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इसराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इसराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्ला ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इसराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्ला के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है।
हिजबुल्ला के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है इसराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इसराइल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी हिजबुल्ला के एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला है जिसके बाद से हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। आप पहले ये जान लीजिए इसराइल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्ला का कौन सा कमांडर मारा गया है। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है जिसमें हिजबुल्ला का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्ला के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इसराइल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया जिसमें वो मारा गया। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के साथ और कौन कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में कई बार इसराइल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्ला की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इसराइल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्ला पहले ही इसराइल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल से कैसे और कहां बदला लिया। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक उसने इसराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने अपनी कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इसराइल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इसराइल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे वहां सभी जगहों पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालात को देखकर हिजबुल्ला अब समझ चुका है कि अगर इसराइल पर भयंकर पलटवार नहीं किया तो इसराइल सेना पूरे लेबनान को रौंद डालेगी। गाजा युद्ध के बाद अब लेबनान युद्ध भीषण तरीके से शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीने में इसराइल हिजबुल्ला के अड्डों और लेबनान के बेहद अंदर इसराइली सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इसराइल के फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्ला के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के साथ हिजबुल्ला पर इजरायली हमले में सबसे ताजा खबरें क्या हैं? जरा ये भी जान लीजिए। लेबनान की लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स टेली के अनुसार लेबनानी सीमावर्ती शहरों में भयानक विनाश शुरू हो चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्ला की राड वन फोर्स का कमांडर अली जाफर मटूक भी मारा गया है। इजरायल के इस हमले में कितने हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं इसका पता नहीं चल पाया है। להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו,